हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन चैनल। और आज हम देखेंगे बेसबॉल और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और बेल आइकन को दबाए नहीं होंगे, तो बेल आइकन को कम से कम दबा लीजिए अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं बेसबॉल। बेसबॉल अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल फेडरेशन का छोटा नाम क्या है? तो छोटा नाम बोलने से ये है आपका IBAF, इंटरनेशनल बेसबॉल एसोसिएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसबॉल खेल का संचालन कौन करता है? तो यही करता है आपका इंटरनेशनल बेसबॉल फेडरेशन का आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, IBAF की स्थापना किस सन में हुई? तो इसकी जो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये आपका 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इस ऑप्शन में आपका अमेरिका सही होगा, राष्ट्रीय खेल घ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, बेसबॉल खेल को आधिकारिक रूप से कब और किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो ये 1992 बार्सिलोना में किया गया था, खा आंसर सही है। नेक्स्ट है, अनधिकारिक तौर पर बेसबॉल को ओलंपिक में कब और किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो अनधिकारिक रूप में कब किया गया था? तो ये इसका आंसर घ आंसर है, 1904 सेंट लुइस में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC द्वारा किस ओलंपिक के लिए बेसबॉल खेल पर रोक लगा दी गई है? तो सातवां का क्वेश्चन है आपका, 2012 में इसका रोक लगा दिया गया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल खेल में प्रयोग होने वाले बैट को क्या कहा जाता है? तो इसका जो बैट है उसको क्या कहा जाता है? आपने उसमें देखा नहीं होगा, उसमें आप और जो इसका थ्योरी मेरा उसको देख लीजिएगा, तो स्लैगर कहा जाता है इसको। आठवां का जो आंसर है खा ये। नेक्स्ट है, बेसबॉल का खेल कितने स्कोर का अंतर होने पर समाप्त हो जाता है? तो इसका जो स्कोर का अंतर आपका घ मतलब 10 स्कोर का अंतर होने पर समाप्त हो जाता है। दसवां क्वेश्चन, बेसबॉल में बॉल फेंकने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसमें फेंकने वाले को इसमें पिचर कहा जाता है। मेरे थ्योरी सेशन को देख लीजिए आपको, और इस क्वेश्चन आंसर तुरंत बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिकल अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल टूर्नामेंट पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था 2006 का है ना। बेसबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत किस सन में हुई? तो वर्ल्ड कप जो है इसका 1938 से ही चालू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सन में IBAF वर्ल्ड कप को प्रत्येक 4 वर्ष बाद कराने की घोषणा की गई? तो इसको 1990 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, 14 जो है, किस सन में बेसबॉल वर्ल्ड कप का नाम बदलकर IBAF वर्ल्ड कप रखा गया? तो ये रखा गया था आपका 2001 में ये। नेक्स्ट है, 21 होगा ये, बेसबॉल वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित होने जा रहा है?
तो ये होने जा रहा है आपका 2014, यानी हो चुका है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, का आंसर सही था उसका। 16वां क्वेश्चन, महिलाओं के लिए बेसबॉल वर्ल्ड कप पहली बार कब खेला गया? तो ये सबसे पहली बार जो खेला गया था वो 2004, 2004 में एडमंटन कनाडा में खेला गया था। एडमंटन। पिचिंग सर्कल का व्यास कितना होता है? तो पिचिंग व्यास भी पूछ सकते हैं, रेडियस भी पूछ सकते हैं इसका। तो ये होता है 9 फीट होता है, और 4.5 फीट इसका जो रेडियस होता है, रेडियस 4.5 फीट का है पिचिंग सर्कल का, है ना। पिचिंग सर्कल का तकनीकी नाम क्या है? इसको तकनीकी नाम इसको बोलते हैं पिचर्स, पिचर्स को काउंट ना। 18 का कौन सा आंसर होगा? क, माउंड, सॉरी, ये होगा पिचर्स माउंड। पिचर जहाँ से बॉल फेंकता है उसकी लंबाई व मोटाई कितनी होती है? तो कहाँ से फेंकता है ये बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल में थोड़ा से डिफरेंट होता है। 19 का आंसर सही होगा आपका, 24 इंच और से 6 इंच और, है ना। तो जहाँ से बॉल फेंकता है 24 इंच होता है और 6 इंच मोटाई होती है उसकी। नेक्स्ट है, प्रथम बेस से द्वितीय बेस की दूरी कितनी होती है? 90 फीट, ठीक है। इसका ख आंसर सही होगा, 20 का ख आंसर। होम बेस को छोड़कर इसमें कितने बेस होते हैं? तो इसमें 3 बेस होते हैं। आपको इसमें होम बेस को छोड़कर बोल दिया गया है, लेकिन इसमें कितने बेस काउंट होते हैं करके दे दिया जाता है, तो इसमें 3 ही को आंसर देते हैं। होम बेस को होम बेस ही बोला जाता है, उसको अलग से बेस नहीं बोलते, है ना। नेक्स्ट होता है, पिचर सर्कल से ग्रास लाइन का अर्ध व्यास कितना है? तो पिचर सर्कल जो होता है उसका अर्ध व्यास कितना होगा? ये होगा आपका 95 फीट। कितना होगा? 22 का घ आंसर। पिचर प्लेस से होम प्लेस, सॉरी, होम प्लेट की दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो दूरी होती है 60 फीट और 6 इंच होता है ना। इसका घ आंसर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, बेसबॉल के खेल में कोच कहाँ बैठता है या बैठते हैं? तो इन कोच इसमें कहाँ बैठता है बताइए। ख, कोच बॉक्स से प्रथम व तृतीय बेस में होते हैं, ठीक है। वहाँ पर लाइन बना होता है, ड्रॉ होता है, आप लोग उसे ग्राउंड को देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका 25। फील्डिंग टीम के किस खिलाड़ी को ग्लव्स पहनने में छूट दी जाती है? फील्डिंग टीम के किस खिलाड़ी को? तो इसके जो 25 के जो आंसर है घ, किसी खिलाड़ी को छूट नहीं दी जाती है ना। सभी ग्लव्स पहने होते हैं इसमें, एक साइड में एक हाथ में रहता है, वो भी लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहनते हैं। उस बैठने की सुविधा को क्या कहते हैं जहां पर अतिरिक्त खिलाड़ी, स्थानापन्न खिलाड़ी या अन्य खिलाड़ी अपने टीम के किट में बैठे हों? तो इसे कहा जाता है आपका, ख आंसर सही होगा, डग आउट। ख आंसर 26 का सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। उस अनाधिकृत क्रिया को क्या कहते हैं जो एक पिचर बेस पर खड़े हुए रनर के लिए करता है?
ये क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। उस अनाधिकृत क्रिया को क्या कहते हैं जो एक पिचर बेस पर खड़े हुए रनर के लिए करता है? तो ये इसको बोलते हैं वॉक बैक। अलग से दिया है यार ये तो, है ना, वॉक बैक बोला जाता है। चलिए, पिचर द्वारा बैक होने पर निर्णय क्या होता है? तो इसका जो निर्णय होता है वो सभी खिलाड़ी, खान सर से ही होगा, सभी खिलाड़ियों को एक बेस आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि पिचर को बैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अगर गलत वो करता है, पिचिंग करता है ना। फिजिकल के कॉलेज में हम लोग बहुत खेले हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होम बेस के पीछे के फील्डर को क्या कहते हैं? तो 29 का आंसर होगा आपका ख, कैचर बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से स्ट्राइक से संबंधित नहीं है। स्ट्राइक से क्या संबंधित नहीं है आपका? नेक्स्ट नीचे देखते हैं, इसमें आपका बॉल घुटने के नीचे जा रही हो तो इसको बोलते हैं सही स्ट्राइक नहीं होता। उसको बॉल लो या उसका एक दिशा बताते हैं ना, बॉल लो बोलते हैं, बॉल साइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर बैटर द्वारा स्ट्राइक ली गई हो और बॉल स्लैगर से ना लगी हो तो निम्न में से क्या सही है? इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको। प्रथम या द्वितीय या तृतीय बेस का खिलाड़ी अगले बेस पर जा सकता है ना। वो सभी एक एक बेस काउंट करते हैं, तो इसका खा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट से संबंधित निम्न में से क्या गलत है? तो 32 का आंसर है बाल कंधे के ऊपर या घुटने के नीचे से गई हो तो स्ट्राइक आउट बोलते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं इसका अलग से समझाऊं क्या इसको? वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, चाहे मैं इसको अलग से अपने से समझाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33, पिचर द्वारा कितने बॉल स्ट्राइक जोन से बाहर फेंकने पर एक बेस आगे बढ़ाया जाता है? तो तीन होते हैं इसमें। 33 जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा क, और कितने खिलाड़ी आउट होने के बाद दूसरी टीम की इनिंग आती है? तो इसमें 3 ही होता है। 34 का घा आंसर सही होगा, 9 तो टोटल प्लेयर होते हैं, 3 आउट होने पर दूसरी इनिंग चालू कर सकते हैं। चलिए, एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? तो ये 9 खेलते हैं। एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये इसमें 12 खिलाड़ी, एक्स्ट्रा 3 इसमें भी होते हैं, जैसे कबड्डी में होता है 9 प्लेयर खेलते हैं और 3 एक्स्ट्रा होता है। तो 36 का आंसर होगा घ, सॉरी 15, 15 आंसर है इसमें, 9, 6 एक्स्ट्रा प्लेयर सब्स्टिट्यूट के लिए होते हैं। सब्स्टिट्यूट वाला तो नहीं खेले थे हम अभी तक। एक खिलाड़ी को स्ट्राइक आउट कितनी स्ट्राइक छोड़ने पर दिया जाता है? तो सब सेम है वही, 3, 3 को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा नंबर है बेसबॉल में। बेसबॉल का मैच कितनी इनिंग का होता है? तो ये कितने इनिंग्स में होते हैं? ये 9 इनिंग्स इसका होता है, चलता है। बेसबॉल के बॉल का वजन कितना होता है? तो ऑन्स का और इसका, औंस को कितने ग्राम बोलते हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। 39 का ग आंसर सही है, 5 औंस से लेकर के 5.25 औंस तक होता है, और 1 औंस इक्वल टू 28.25
35240 ग्राम इसका होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर ये है। जैसे आपका 1 औंस है ना, तो 1 औंस को हम लोग 28.35 या 40 ग्राम कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसबॉल में बॉल की परिधि कितनी होती है? तो इसकी परिधि होती है 9 से लेकर के 9.25 इंच। ठीक है, का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसबॉल के स्लेगर या बैट, स्लेगर ही बोलते हैं, बैट की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम इसका जो है 36 इंच और बिलो 36 इंच तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना, उससे कम होना चाहिए। स्लैगर या बैट का वज़न कितना होता है देखते हैं। स्लैगर या बैट 500 ग्राम 1 केजी या आधा केजी, तो ये होता है आपका, इनमें से कोई नहीं है ना, इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक हो। स्लैगर के मोटे भाग का भार कितना होता है, मोटे भाग का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 2 इंच होता है आई थिंक, 43 का नहीं, 2.625 इंच होता है, का आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस का संबंध बेसबॉल खेल से नहीं है? तो गा आंसर इसका है फायर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और इसका आंसर लीजिए। चलिए आंसर दे देता हूँ मैं आपको, ये आपका आंसर 40-44 क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और उसके बाद इसको दोबारा देखिए, मिलाइए आंसर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।